तो यस गाइस, आपको इस वीडियो में आपको बेस्ट ऐप बताने वाला हूँ फॉर कॉलेज स्टूडेंट या कह सकते स्कूल स्टूडेंट के लिए। काफ़ी यूजफुल ऐप्स है, वो आपको बहुत ही यूज टू रहेंगे और वो आपके स्टडी रिलेटेड ऐप्स नहीं है। मीन्स स्टडी रिलेटेड मीन मैं कह सकता हूँ कि आपके कोर्स रिलेटेड ऐप्स नहीं है, वो आपके डेली टास्क जो रहते हैं उसके लिए है। लाइक कभी आप लोग कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग स्कैन करते हो डॉक्यूमेंट्स उसके लिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है सब में तो उसके आपको उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, ये सब ऐप्स है। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग मैं बोल दूँ, एक इससे पहले मेरा मोस्ट पॉपुलर वीडियो है कह सकते हो, वो है कॉमर्स बेस्ड ऐप्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल वीडियो है। तो आप लोग अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जाके ज़रूर देखो वो वीडियो। ठीक है, इसीलिए मैं इसका वीडियो ला रहा हूँ बेस्ट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, ताकि ये भी यूज़फुल हो जाए सबके लिए। तो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे डायरेक्टली यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, या मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ पर भी मेरा अवेलेबल रहता हूँ, तो आप लोग हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहला आप जो मेरे चैनल का पहला सेंटेंस है नोशन, तो भाई आपने बनाया? नहीं भाई, मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, बट काफ़ी यूज़फुल ऐप है, एक बार जाके इसको यूज़ करो। आप लोग इसका अगर रिव्यू चेक करके यूज़ करोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, अपने आप से मतलब इसको ट्राई टू हो जाओ, मीन्स यूज टू हो जाओ, एक वन वीक यूज़ करो, काफ़ी अच्छा ये ऐप है। क्या है ऐप में, आप लोग उसमें नोट्स बना सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो, बहुत कुछ है, एक बार यूज टू हो जाओ, या एक बार यूट्यूब पे देख लो नोशन कैसा ऐप है, बहुत ही अच्छा है। लाइक अगर आप लोग कीप नोट्स यूज़ करते हो गूगल का, या एवर नोट यूज़ करते हो, या कोई भी आप लोग को डॉक्यूमेंट बनाना रहता है तो ये सब यूज़ करते हो, तो नोशन में सारा कुछ है। बट अगर आप लोग उसको यूज़ टू हो जाओगे तब, लाइक मुझे डेली टास्क क्या करना है, यूट्यूब के रिलेटेड क्या करना है, मुझे स्टडी के रिलेटेड कितने मुझे पढ़ना है, क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है आज, तो उसको बना सकते हो। इसका ऐप अवेलेबल है, इसका वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो नोशन का ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो और यूज़ टू हो जाओ। मैं नहीं बोलूँगा कैसे यूज़ करना है, आप लोग जाके यूज़ करो उसको। ठीक है, तो या पहला ऐप यही है, तो इसको जाओ यूज़ करो, वन वीक यूज़ करो, तभी आप लोग समझ पाओगे, नहीं तो आप लोग एक दिन यूज़ करोगे नहीं अच्छा लगा तो आप लोग डिलीट कर दोगे। काफ़ी थोड़ा टिपिकल ऐप है, बट एक बार यूज़ हो जाओगे, यूज़फुल हो जाओगे, मीन्स यूज टू हो जाओगे, तो काफ़ी अच्छा ऐप लगेगा आपको ये। और दूसरा ऐप है, आप लोग जाके देख सकते हो अलार्मी, लाइक अगर आपको उठने में प्रॉब्लम हो रहा है सुबह, या कोई भी जब आपका काम रहता है कोई, तो आप लोग अलार्म लगाते हो और उसको स्नूज़ कर देते हो तुरंत जब अलार्म बजने लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको नहीं उठ पाते हो, दो तीन बार बजता है उसके बाद कैंसिल हो जाता है आपका अलार्म का जो शेड्यूल बना रहता है। बट ये वाले भी अगर आप लोग अलार्म का शेड्यूल बनाओगे, ठीक है, लाइक अगर इसमें 6 बजे का शेड्यूल बना दिए, अगर इसको स्नूज़ करना रहेगा तो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा, लाइक इसमें सम बोल देगा, तो आप लोग अगर सम सॉल्व करने लगोगे, आपका माइंड काम करने लगा, तो आपको नींद कहाँ लगेगा। तो या अलार्मी इज़ अ बेस्ट ऐप, आप लोग यूज़ कर सकते हो फॉर उठने। तीसरा ऐप है फॉरेस्ट, काफ़ी यूज़फुल ऐप है, मीन्स अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, कोई कई काम कुछ करने लगते हो, कभी मोबाइल चलाने लगते हो, तो उसके लिए ये ऐप हेल्पफुल रहेगा। लाइक अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो ये टाइमलाइन सेट कर दोगे, मुझे 25 मिनट तक पढ़ना ही है, तो आप लोग उसको ओपन कर देना और क्लिक कर देना मुझे 25 मिनट पढ़ना है, तो जब तक 25 मिनट नहीं होगा तब तक आपका धीरे धीरे वो प्रे मीन्स ट्री ग्रो होता रहेगा। 25 मिनट पूरा हो जाएगा तो आपका ट्री पूरा ग्रो हो जाएगा, मीन्स आप लोगों ने एक टास्क कंप्लीट किया, तो काफ़ी यूज टू हो जाएगा, मीन्स आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट होते हो तो, कोई भी काम करने में। तो गाइज, बहुत से स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट स्कैन करने में बहुत भी प्रॉब्लम आता है, लाइक पहले कैम स्कैनर था, वो तो बैन हो गया, तो आप लोग उसको यूज़ मत करो। तो अभी आप लोग एडोबी स्कैन यूज़ कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, और ये सीधे आपको क्लाउड में स्टोरेज होगा, ना कि आपके मोबाइल स्टोरेज में जाएगा, था मीन्स आपका स्टोरेज भी सेव होगा। तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको कोई भी PDF या डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है अपने मोबाइल में, बहुत बार ओपन नहीं होता है, WPS था आई थिंक वो बैन हो गया क्या, मुझे मालूम नहीं क्लियर, बट WPS अच्छा ये है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्ड ये सब पूरा इसमें है, मीन्स आप लोग वर्ड भी बना सकते हो इसमें, कोई डॉक्यूमेंट जो एक्सेल रहता है सब कुछ बना सकते हो मोबाइल में ही, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। अब WPS का मुझे मालूम नहीं, बट उसमें एड्स भी आते हैं, तो इससे अच्छा ये भी यूज़ कर लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्ड, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो अगर आप लोग 12th या 10th में या 9th में किसी भी क्लास में हो, अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हो, अगर आपको बुक में प्रॉब्लम हो रहा है, मीन्स बुक बाय नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी, तो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, NCERT बुक्स एंड NCERT सॉल्यूशंस, काफ़ी हेल्पफुल ऐप है, इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, DKGL, TS ग्रेवाल या प्रदीप, जो भी फिजिक्स के बुक्स हैं अवेलेबल हैं, NCERT का भी इसमें बुक्स अवेलेबल है, NCERT का ही बुक्स अवेलेबल है, ना कि कोई रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, बट सोल्यूशन अवेलेबल है, तो आप लोग जाके इसको भी चेक कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है बुक्स में। तो गाइस, जो ये सब मैंने ऐप्स बताया काफ़ी यूज़फुल ऐप है, इसको यूज़ करो। और सबसे पहला जो ऐप्स मैंने बताया नोशन, काफ़ी यूज़फुल ऐप है, एक बार इसको यूज़ करो, वन वीक में बोल रहा हूँ यूज़ करो, आप लोग एकदम इसमें बहुत ही ज़्यादा आप लोग इंटरेस्ट लगाओगे, मीन्स लगेगा आपको,
तो प्लीज़ उसको यूज़ करो, और जो मैंने बताया आपको, ठीक है, ये सब यूज़ करो। बाकी एक और ऐप है, मैं बट उसका मैं नाम नहीं लूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक या नेम अटैच कर दूँगा, बट नेम नहीं लूँगा क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मुझे। तो नीचे देख लेना, अगर आपको देखो YouTube वीडियो देखते हो कुछ प्रॉब्लम होता है एड्स में प्रॉब्लम होता है, मीन्स एड्स नहीं देखना रहता है, तो एक ऐप है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाके देखो उसको समझो। डाउनलोड करने के लिए आप लोग YouTube पे वीडियो देख सकते हो कैसे डाउनलोड करना है, बट मैं नेम नहीं लूँगा, ठीक है। तो एक बार जाके देखो और उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, लाइक कोई क्लास 12 क्लास 11 का देख रहे हो कोर्स, तो उसमें एड्स आ जाता है तो आपका थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो दैट्स वाई ये ऐप, ये इसको यूज़ करके आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हो, मीन्स एड्स का जो प्रॉब्लम रहता है वो सॉल्व कर पाओगे। तो या ये सब ऐप्स काफ़ी यूज़फुल है, एक बार डाउनलोड करो और बताओ कैसा ऐप है, नीचे कमेंट बॉक्स कर देना कि क्या हाँ अच्छा वह ऐप था, ओके। और बताओ आपको कैसा वीडियो चाहिए और कैसा नहीं चाहिए, ठीक है, नीचे कमेंट डाउन करो और लाइक कर दो। अगर आपको इसमें से कोई भी ऐप नहीं मालूम था, अगर मालूम भी था तब भी लाइक कर दो, ठीक है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस, गुड डे, घर पे रहो, सेफ रहो, बाय बाय। इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे, तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे।